सो हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरर्स। जो आखिरी वीडियो हमने देखा था उसमें हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा था, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, किस तरह रॉक्स की वेदरिंग होती है। जो पूरा प्रोसेस है उसको डेनुडेशन कहते हैं। उस डेनुडेशन को हमने चार पॉइंट्स में ब्रेक किया, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। सबसे पहले चीजें टूटती हैं, उसको हम कहते हैं वेदरिंग। फिर उन चीजों को कोई एजेंट लाइक विंड या वाटर बहा कर ले जाता है, जिसको कहते हैं इरोजन। और ये बहा कर ले जाने वाली जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा प्रोसेस। और चौथा, कहीं ले जाकर जो सामान बह रहा है उसे कहीं ले जाकर ये डिपोजिट करेंगे, डिपोजिशन। सो वेदरिंग हमने देख लिया था बेसिकली कितने टाइप की होती है, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग, ऑर्गेनिक, इतने ये सब तरह की वेदरिंग हमने पढ़ी थी। आज हम आगे चलकर इसी सेशन में इरोजन पढ़ेंगे, इरोजनल एक्टिविटी। सो इरोजन एक्टिविटी, इरोजन मतलब क्या होता है, जैसे कोई मिट्टी है, उस मिट्टी को अगर कोई एजेंट बहा कर ले जाता है, चाहे वो हवा हो चाहे वो पानी हो, उसको कहते हैं इरोजन, ठीक है। और ये इरोजन का एक जो मुख्य जो कारण है इरोजन करने का, जो मेन एजेंट है इरोजन का, वो वाटर होता है। रिवर वाटर हो गया, या कोई स्ट्रीम्स हो गया, वाटरफॉल हो गया, रैपिड्स हो गए, ये सारी चीजें इरोजन करवाते हैं। सो वाटर का कोई फ्लोइंग जो फॉर्म है उससे क्या होता है, इरोजनल एक्टिविटीज होती हैं। सो ये इरोजन एक्टिविटी कैसे होती है, कितने तरीके से होती है, इसको जान लेते हैं। सो जो इरोजन एक्टिविटी को पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करेंगे कि एक नदी कैसे बनती है। सो एक माउंटेन है, एक पहाड़ है, इस माउंटेन के ऊपर बारिश हो रही है, ठीक है। जब भी कोई नदी बनती है हमेशा एलिवेटेड पोर्शन से बनती है, किसी ऊंचाई से ही कोई नदी हमेशा बनना शुरू होती है। कोई भी नदी काफी ऊंचाई से बनती है, पहाड़ों पे, हिल्स पे, ऊंचे ऊंचे प्लेट्यूज पे, ऐसे प्लेट्यूज जो माउंटेन्स के बीच में है, ऊंचाई पे पाए जाते हैं, वहां पर, जैसे अमरकंटक ने कैलाश मानसरोवर हो गया, लाइक सच टाइप्स ऑफ इंटर माउंटेन प्लेट्यूज, ऐसी ऊंचाई जगहों पर ये नदियां फॉर्म होती है। अब ये नदियां कैसे फॉर्म होती है, सपोज रेन हो रहा है, इसकी बारिश हो रही है, सो इस बारिश के कारण ये जो माउंटेन का जो पीक है, ये जो चोटी है, ये वाटर डिवाइड का काम करेगा। इसके इस तरफ जो चीज, जो पानी गिर रहा है वो इस तरफ बहना शुरू होगा, और इस तरफ जो बह रहा है वो इस तरफ बहना शुरू होगा। सो दोनों तरफ में से जिस तरफ ज्यादा पानी होगा उस तरफ की एक स्ट्रांग धारा बनेगी, एक स्ट्रांग रिवर वहां फॉर्म होगी, बनना शुरू करेगी एक नदी। सो जैसे मान लीजिए इस तरफ हम कहते हैं कि ये बहना शुरू हुई नदी। सो जो रिवर का इनिशियल चैनल है, जो रेन, जो मेन जहां पर रेन रिसीव होती है, वो हिल्स के टॉप पे होती है, माउंटेन्स के टॉप पे होती है। आइदर साइड में से किसी एक साइड जिस तरफ ज्यादा बारिश हो रही होगी उस तरफ ये रिवर फॉर्म होगी, जिसमें बहुत ज्यादा वाटर होगा। अब ये रिवर बहना शुरू करती है। अच्छा, ये रिवर जब बहना शुरू करती है तो जो मेन रिवर बनी है, अभी जो बारिश हुई है उससे जो एक मेन धारा बनी है, जो मेन रिवर बनी है, मेन धारा, इसे हम ज्योग्राफी में बोलते हैं इनसिक्वेंट स्ट्रीम। ये कैसी स्ट्रीम है, इनसिक्वेंट, ये इनसिक्वेंट स्ट्रीम कहलाती है। यानी जो धारा सबसे पहले बनती है बारिश होने के बाद, जो धारा सबसे पहले बनती है उसको हम इनसिक्वेंट स्ट्रीम कहते हैं। अच्छा, अब ये हो गई इनसिक्वेंट स्ट्रीम, ये बहना शुरू हो गई पहाड़ी के नीचे से। अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉक्स दैट आर फाउंड ऑन दिस माउंटेन, द होल माउंटेन इज हैज बीन बिल्ड बाय सम काइंड ऑफ रॉक्स, जैसे हिमालय सेडिमेंटरी रॉक से मोस्टली बना हुआ है। सो द चीफ काइंड ऑफ रॉक्स दैट आर फाउंड इन मेजोरिटी इन दिस माउंटेन, कौन से तरह के चट्टान पाए जाते हैं इस पहाड़ में, ये पहाड़ किस तरह के चट्टानों से बना है, डिपेंडिंग ऑन दैट, अगर जो रॉक्स है वो सॉफ्टर है, और या फिर वो रॉक्स जो है वो हार्ड है। अगर पूरा सरफेस जिस पर से नदी बह रही है, उस नदी का जो सरफेस है, बॉटम है जिस पर नदी बह रही है, अगर वो हार्ड पत्थरों से बना है, बहुत मजबूत चट्टानों से बना हुआ है, हार्ड रॉक से, तो उसके वजह से क्या होगा, जो किनारे की धाराएं हैं वो इस मेन मुख्य धारा से आकर मिलेंगी। किस तरह मिलेंगी, तिरछी आकर मिलेंगी। जैसे ये मेन धारा बह रही है, सो जो किनारे की धाराएं हैं वो इस तरह से आकर मिलेंगी। ये जो
तिरछे तरह से जो धाराएं आकर मिल रही है, बायोलॉजी में इसको कहते हैं ऑब्लिकली, जो ऑब्लिक मतलब ये जो एंगल, इसको ऑब्लिक कहा जाता है। ये ऑब्लिक तरह से आकर मेन धारा में मिल रही है ना। सो द एडजेसेंट स्ट्रीम्स विच आर मीटिंग द मेन रिवर चैनल, दे आर मीटिंग इट इन एन ऑब्लिक पोजिशन, इन ऑब्लिक डायरेक्शन। सो ऑब्लिक डायरेक्शन से आकर मिलती है ये। ऐसा कब होता है? जब जो पूरा स्ट्रक्चर है पहाड़ का, जिस पर ये सारी नदियां बह रही हैं और उसकी धाराएं बह रही हैं, ये पूरा जो बॉटम है वो कैसे रॉक से बना है? हार्ड रॉक से, बहुत ही मजबूत चट्टानों से। बट अगर हार्ड रॉक प्लस सॉफ्ट रॉक प्लस हार्ड रॉक प्लस सॉफ्ट रॉक, हार्ड और सॉफ्ट रॉक अगर मिलकर बने हैं और मुख्य धारा उस पर से बह रही है, तो जो किनारे की धाराएं हैं वो जरूरी नहीं है कि ऑब्लिकली ही मिले, वो किसी और एंगल से भी आकर मिल सकती है मुख्य धारा से। जैसे ये तो मुख्य धारा है, अब इस पर आकर मिलेंगे तो किस तरह से मिलेगी? अब मान लीजिए, अब समझिए, जैसे जो नदी बह रही है और नदी जिस फ्लोर पे बह रही है, जो माउंटेन का जो वो बॉटम है जिस पर ये नदी बह रही है, अगर वहां पे सॉफ्ट रॉक्स भी पाए जाएंगे तो क्या होता है? जो नदियां हैं वो सॉफ्ट चट्टानों को काट कर नीचे जाने लगती है, वर्टिकल इरोजन होता है। इरोजन दो तरह से करती है नदियां, हायर वैल्यूज पे, जो मतलब हायर एलिवेशन पे जो हिल्स होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं, वहां इरोजनल एक्टिविटी, जो इरोजन की प्रक्रिया है, वो दो तरह से होती है। ठीक है, सॉरी, दो तरह से नहीं, एक तरह से होती है, सिर्फ एक तरह से होती है। और चट्टानों पे एक्चुअली में पूरी नदी दो तरह से करती है इरोजन, पर अगर हम बात करें पहाड़ी की, जहां पर ये नदियां बनती है, वहां इरोजन एक तरह से होता है, जिसको कहते हैं वर्टिकल इरोजन। सीधा गहराई में काटती जाएगी ये नदी, जैसे नदी बह रही है तो ये नदी अपना जो बॉटम है, नदी का जो बॉटम है वो उसको गहरा करती जाएगी, काटती जाएगी। इसको बोलते हैं वर्टिकल कटिंग। सो नदियां वर्टिकल काटती जाएंगी। कब काटेंगी? जब नीचे का जो बॉटम है वो कैसे रॉक से बना होगा? सॉफ्ट रॉक से। अगर हार्ड रॉक से बना होगा तो वर्टिकल इरोजन कम होगा और बाकी सारी धाराएं भी वर्टिकल इरोजन नहीं करेंगी, तो तिरछी आकर मुख्य धारा में मिल जाएंगी। बट अगर सॉफ्ट रॉक से नीचे, तो ये शायद नदी, ये धारा ऐसे ना बहकर शायद नीचे से काटे इन पत्थरों को जो सॉफ्ट रॉक्स है, और फिर किनारे से इस तरह आकर मिले। सो अगर इस तरह आकर मिलेगी मुख्य धारा में ये सहायक धारा, तो इस चीज को हम कहते हैं सब्सिक्वेंट स्ट्रीम। ये सब्सिक्वेंट है, सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स। और अगर ऑब्लिकली आके मिलती हैं तो इनको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। सो तीन नामों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जो मुख्य धारा, जो बारिश हुई, जो एक मुख्य धारा बनी, जो नदियां बहना शुरू हुई, सबसे मेन रिवर चैनल जो है, उसको हम बोलते हैं इनसिक्वेंट स्ट्रीम। अगर इस इनसिक्वेंट स्ट्रीम में कुछ किनारे से और धाराएं और रिवर चैनल आके मिलती हैं और एक्यूट एंगल पे मिलती हैं, राइट एंगल पे ना मिलकर, क्योंकि जो बेड है वो हार्ड रॉक से बना हुआ है, तो जो ऑब्लिकली आकर, तिरछी आकर जो नदियां मिलेंगी, उन नदियों को हम बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स। बट अगर सॉफ्टर रॉक से बना हुआ है बॉटम, तो नदियां उन सॉफ्टर रॉक्स को काट कर जहां राइट एंगल पे कभी कभी अगर रास्ता मिला तो राइट एंगल से भी मिल जाएंगी। और अगर राइट एंगल से कोई हेल्पिंग स्ट्रीम मेन चैनल को टच करती है या ज्वाइन करती है, तो जो हेल्पिंग स्ट्रीम है उसको कहेंगे सब्सिक्वेंट स्ट्रीम। सो ये है। अब देखिए, जो मुख्य धारा है, जो हमने देखा मुख्य धारा, उससे ऑब्लिकली तिरछी आकर जो नदियां मिलती हैं, ये पूरा जो रिवर पैटर्न बनता है, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइटिक पैटर्न। पैटर्न याद रखिएगा, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेंड्राइटिक पैटर्न। सो डेंड्राइटिक बना एक शब्द से, ग्रीक वर्ड है डेंड्रॉन, डेंड्रॉन मतलब पेड़। तो ये एक पेड़ की तरह दिखता है, देखिए एक पेड़ की तरह दिखता है, जैसे एक मेन ट्रंक है और ये उसकी ब्रांचेस है। सो एक इस तरह का अगर डिजाइन आपको दिख रहा है कि बीच वाली मेन रिवर है और जो किनारे की हेल्पिंग रिवर्स हैं, हेल्पिंग स्ट्रीम्स हैं, वो तिरछी ऑब्लिकली आकर टच करती हैं, तो ये एक पैटर्न बनाता है, कौन सा? डेंड्राइटिक। बट अगर मुख्य नदी से उसकी सहायक नदियां राइट एंगल से आकर मिलती हैं, राइट एंगल से आकर मिलती हैं इस तरह से, तो ये जो पैटर्न बनेगा इसको हम बोलेंगे ट्रेलिस पैटर्न, इसको हम बोलेंगे ट्रेलिस पैटर्न। सो ट्रेलिस पैटर्न क्या है? जब मुख्य धारा से सहायक धाराएं राइट एंगल पे ज्वाइन करती हैं, तो ट्रेलिस पैटर्न बनाती हैं। और अगर
ऑब्लिकली मिलती हैं तो डेंड्राइटिक पैटर्न बनाती हैं। ऐसे और भी कई पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, सर्कुलर होता है, फिर कई तरह के होते हैं, उसको हम आगे जानेंगे। अभी इतना जानिए कि अगर तिरछी कोई नदी अगर मिलेगी तो डेंड्राइटिक पैटर्न बनेगा, और अगर राइट एंगल पे मिलेगी तो ट्रेलिस पैटर्न। दिस टू आर द पैटर्न्स दैट आर फॉर्म्ड। अब ये रिवर जो इरोजन करेगी, जो इरोजनल एक्टिविटी है, यानी मिट्टी को काट कर बहा के ले जाने वाली, ये एक्टिविटी चार तरह की होगी। इरोजन कितनी तरह का होगा? चार तरह का। तो जो रिवर से इरोजन होगा ये चार टाइप का होगा। चार टाइप्स में जो पहला टाइप है उसको बोलते हैं कोरेजन या अब्रेजन। सो कोरेजन या अब्रेजन, क्या है कोरेजन या अब्रेजन? देखो, नदी जब बह रही है उसमें तीन तरह से चीजें मिली हुई होती हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो नदी में घुले हुए हैं, एकदम होमोजीनियस मिक्सचर, ट्रू सॉल्यूशन, उसके अंदर पूरी 100% तरह से घुले हुए हैं। कुछ ऐसी चीज है जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, जो नदी के साथ छोटे छोटे कण नदी की धारा के साथ बहते हुए जा रहे हैं। ये दूसरे तरीके के हो गए, एक तो पूरे घुले हुए हैं और ये सस्पेंडेड है जो नदी के साथ बह रहे हैं, बहुत छोटे छोटे कण। तीसरे बहुत बड़े बड़े चट्टान, बिल्डर्स, पत्थर, स्टोन्स, ये सब भी बहते जाते हैं नदी की पावर, नदी की स्ट्रीम की धारा की ताकत से। सो तीन तरह की चीजें बहती हुई चलती हैं। अब कोरेजन या एब्रेजन क्या है? कोरेजन या एब्रेजन, वर्टिकल कटिंग जो हमने पढ़ी थी वही इसका एक टाइप का एग्जाम्पल है। सो कोरेजन या एब्रेजन मतलब नदी बहते हुए जमीन को अगर काटते जाएगी तो उसे हम बोलेंगे कोरेजन या एब्रेजन। अब ये दो तरह से होगा, एक होगा लैटरल और दूसरा होगा वर्टिकल। सो लैटरल कोरेजन क्या है? जब नदी बह रही है और बहते हुए अपने दोनों किनारे, नदी के दोनों किनारे जो बैंक्स होते हैं, जो उसके तट होते हैं, नदी अपने तटों को हल्का हल्का काट काट के चौड़ी होती जाती है। तो ये जो अपने तटों को काटना होता है, अपने रिवर बैंक्स को जो काटने का प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं लैटरल कोरेजन। और जब नदी अपने बॉटम को, अपने जो सतह है उसको अगर काट के गहरी होती जाती है तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल इरोजन। क्लियर? लैटरल इरोजन इज व्हेन ए रिवर कट्स ऑफ इट्स बैंक्स ग्रेजुअली, द प्रोसेस इज कॉल्ड लैटरल कोरेजन। बट व्हेन एवर द रिवर इज कटिंग इट्स ओन बॉटम और द बेड, द रिवर बेड, द रिवर चैनल इफ कटिंग इट्स ओन रिवर बेड, द टाइप ऑफ कोरेजन इज नोन एज वर्टिकल कोरेजन। सो वर्टिकल कोरेजन कहां पाया जाएगा? ऊंची जगहों पर जहां पर नदी बनना शुरू होती है। जब भी नदी पहाड़ी से, नदी बनी और पहाड़ी से नीचे की ओर जाना शुरू करेगी, वो पहाड़ को गहराई में काटेगी, किनारे नहीं काटेगी, गहरा करती जाएगी, वर्टिकल इरोजन होगा उस समय। सो ये पहला है कोरेजन या एब्रेजन। दूसरा हम कह सकते हैं एट्रिशन। एट्रिशन कौन सा प्रोसेस है? एट्रिशन मतलब जो नदी में जो चीजें बह रही हैं, जैसे नदी में दो कई पत्थर ऐसे नदी की धारा के साथ बहते जा रहे हैं, और नदी की धारा के साथ बहते हुए कभी दो पत्थर आपस में टकरा गए, तो दो पत्थर टकरा गए टूट गए, फिर कोई छोटे छोटे दो पत्थर टकरा गए टूट गए। सो नदी में बहते हुए हजारों पत्थर जब आपस में ही टकरा टकरा कर टूट टूट कर छोटी छोटी मिट्टी में तब्दील होते जाते हैं, जिसे सैंड कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं एट्रिशन। सो एट्रिशन मतलब जो पदार्थ नदी के फ्लो के अंदर ही बहते हुए आपस में एक दूसरे से घर्षण करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं एट्रिशन। सो पहला आपने समझा कोरेजन, समझ में आया दूसरा एट्रिशन। जो तीसरा प्रोसेस है इसको कहते हैं कोरोजन। कंफ्यूज मत होना, पहला कोरेजन था CORRA, ये है COROO, कोरोजन। कोरोजन मतलब क्या होता है? कोरोड, जंग लगना, जैसे लोहे पे जंग लगता है। सो जंग लगने से इसका कोई मतलब नहीं है। इसका सिंपल रेलिवेंस ये है कि जब कभी नदी ऐसी जगहों से बहती है, कुछ ऐसे चट्टानों से मिलती है, जो ऐसे चट्टान है जो नदी से घुल जाएंगे, जो ऐसे चट्टान है जो नदी से, उनमें केमिकल रिएक्शन चालू होगा, वो टूट जाएंगे। जैसे लाइमस्टोन, हमने आपको बताया था, लाइमस्टोन पे रेन वाटर गिरता है, वीक एसिड बना देता है, जो लाइमस्टोन को क्या करता है, काट देता है, वो जो पानी है वो लाइमस्टोन की गहराई में चला जाता है गड्ढा करके। सो वो पत्थर घुल जाता है, लाइमस्टोन ऐसा पत्थर है जो बारिश के पानी में घुल जाएगा। सो जो पानी में अगर कोई पत्थर घुल जाते हैं और छोटे छोटे मिट्टी में तब्दील हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कोरोजन। यह है थर्ड टाइप ऑफ इरोजन डन बाय रिवर वाटर। फोर्थ और लास्ट टाइप जो है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्शन।
सो हाइड्रोलिक एक्शन इज द शीयर पावर और एक्चुअल पावर ऑफ द रिवर. द फास्ट फ्लोइंग रिवर हैज अ ट्रिमेंडस प्रेशर इन इट एंड व्हेन दिस ट्रिमेंडस प्रेशर हिट्स द रिवर बैंक्स द स्टोन और बुल्डर्स दैट आर फाउंड ऑन द रिवर बैंक्स दे गेट स्ट्रक अपॉन बाय दिस वेव्स बाय दिस स्ट्रीम्स एंड दोज रॉक्स गेट डिसेक्टेड इनटू वेरियस कंस्टिट्यूएंट स्टोन्स. छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील हो जाते हैं. हाइड्रोलिक एक्शन मतलब नदी का वास्तविक एक्शन, एक नदी की धारा की ताकत जब किसी पत्थर पे वो टकराए और उस पत्थर को तोड़ दे छोटे छोटे भागों में, इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलिक एक्शन. सो पत्थर का टूट टूट कर छोटे छोटे भागों में बदल बदल कर मिट्टी बनने में चार तरह से नदी काम करती है, कोरेजन और एब्रेजन, एट्रिशन, कोरोजन, हाइड्रोलिक एक्शन. ये चार तरह का इरोजन होता है. अब देखना है हमें रिवर कोर्स, एक नदी ऊपर से नीचे आते समय क्या क्या करती है. ये काफी बड़ा टॉपिक है, सो इसको हम देखेंगे. अगर इसमें नहीं कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे. सो एक नदी को हम कुछ फेजेस में बांट देते हैं. जो लास्ट कोने में आपको दिख रहा है जो ट्रायंगुलर हमने बनाया वो समंदर है, वो नदी अब जाके समंदर में पहुंच गई. सो तीन फेज हम देख रहे हैं. एक है पहाड़ जहां ये नदी बनती है, जहां से ये नदी बहना शुरू करती है, नीचे की तरफ जाती है. सो पहाड़ पे कैसी इरोजनल एक्टिविटी होगी अभी हमने आपको बताया, वर्टिकल इरोजन. कैसा इरोजन होगा? वर्टिकल इरोजन. पहाड़ पे कैसा इरोजन होता है? वर्टिकल इरोजन. नदी अपने घाटी को गहरा करते जाती है. फिर ये नदी कुछ चीजों को बनाएगी, कुछ फॉर्म्स बनाएगी, जैसे रैपिड्स. पहला रैपिड, दूसरा कैटरैक्ट और तीसरा वाटरफॉल. तीनों लगभग एक चीज है, बस पैरामीटर अलग है. जो पैरामीटर मतलब किस स्तर पे बन रहे हैं वो अलग है. रैपिड्स क्या है? नदी बह रही है, बहते बहते अचानक कोई मजबूत लेयर आ गई, हार्ड रॉक्स की एक लेयर आ गई जो आगे की तरफ से उठी हुई है. बाइकर्स, जो बाइक मूवीज में आपने देखा होगा, एक बाइकर फुल स्पीड पर बाइक लाता है, सामने एक इंक्लाइन होता है तो वहां से वो बाइक जंप करती है ना इंक्लाइन से, ठीक उसी तरह अगर नदी के रिवर चैनल पर सामने की तरफ कोई हार्ड रॉक का बेड पड़ा हुआ है जो आगे से थोड़ा इंक्लाइन है, नदी उस पर जंप करके फिर आगे जाती है. सो ये जो नदी जंप करती है एक इंक्लाइन पे, इसको बोलते हैं रैपिड फॉर्मेशन. ये क्या बनाती है? रैपिड बनाती है. और अगर एक के बाद एक लगातार नदी उछली, जैसे एक यहां है, एक आगे है, एक आगे है, ऐसे ऐसे रॉक्स रखे हुए हैं. सो नदी एक बार जंप की, फिर जंप की, फिर जंप की, अगर दो तीन रैपिड एक साथ लाइन में है तो उसको हम बोलेंगे कैटरैक्ट. थर्ड इज वाटरफॉल. वाटरफॉल क्या है कि सॉफ्ट रॉक्स अगर हैं, उनके ऊपर हार्ड रॉक्स हैं और इन हार्ड रॉक्स के ऊपर से नदी आ रही है, ये नदी काफी ऊंचाई से नीचे गिरेगी और नीचे गिरने के बाद बहुत ऊंचाई से नीचे गिरेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाटरफॉल या झरना. ये झरना जब नीचे गिरेगा तो जहां ये गिरता है, काफी ऊंचाई से ये पानी जब नीचे गिरता है तो नीचे की मिट्टी को क्या करता है? काट देता है. और ये नीचे की मिट्टी जब कटती है तो नीचे की मिट्टी काटने के कारण नीचे गड्ढा हो जाएगा, काफी गड्ढा, एक पूल बन जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में? प्लंज पूल. सो प्लंज पूल कैसे डेवलप होगा? प्लंज पूल डेवलप होता है जब एक वाटरफॉल गिरता है और लगातार गिरते रहने के कारण नीचे की मिट्टी में, नीचे की मिट्टी को काट कर वहां गहरा कर देता है. यानी जो झरना है वो जहां पहाड़ी से नीचे गिरेगा उस जगह पर बहुत गहराई होगी. सो दिस इज वाटरफॉल. ये तीनों चीजें कहां बनती हैं? अपर पोर्शन में, रिवर के पहले स्टेज पे. पहला स्टेज मतलब माउंटेन हिली स्टेज, जहां रिवर बनती है वहां वर्टिकल इरोजन होगा, रैपिड्स बनेंगे, कैटरैक्ट्स बनेंगे, वाटरफॉल बनेंगे. और सेकेंड बात आती है या सेकेंड स्टेज आती है जब ये रिवर पहाड़ से उतर के प्लेन्स में पहुंचती है. अब मैदानी क्षेत्र में ये पहुंचेगी, यहां क्या एक्टिविटी करेगी, यहां कैसे फॉर्म्स बनेंगे, यहां कौन कौन से लैंड फॉर्म्स क्रिएट होंगे, इसके बाद जब वो फाइनली सी या ओशियन में सबमर्ज होने जाएगी उस टाइम पे कैसे कैसे लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड होते हैं. सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय द रिवर डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द रिवर, द इनिशियल स्टेज और द हिली स्टेज और माउंटेनस स्टेज. इट इज फॉलोड बाई द प्लेन स्टेज और द जो समतल मैदानों से जब गुजरती है दैट स्टेज एंड फाइनली द व्हेन द रिवर फाइनली मीट्स द ओशियंस और सी. सो आगे सेकंड जो स्टेप है, यहां पर क्या क्या चीजें बनेंगी और थर्ड में क्या क्या चीजें बनेंगी, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में.
So if you are actually, if my videos are actually helping you in your studies, please do like, share and subscribe my channel. Give us thumbs up and please tell us your honest opinion about our videos in the comment section. Please do comment and spread our video. हमारे वीडियो को आप थोड़ा अपने तरफ से इनिशिएटिव लेके थोड़ा अपने दोस्तों में और अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके पीयर ग्रुप्स हैं, जो लर्नर्स हैं, जो आपके साथ साथ तैयारी कर रहे हैं जिसके उनमें आप इस वीडियो को प्रमोट कीजिए. एंड इफ दे लाइक आवर वीडियोस देन इट इज फाइन, इफ दे डोंट लाइक देन इट इज ऑल्सो फाइन. सो टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.